अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाकसार इस वक्त आपकी खिदमत में एक वाकया बयान करना चाहता है, और वो ये है कि जामे अहमदिया जहाँ जमाते अहमदिया के मुबल्लिग तैयार होते हैं, वहाँ जब हम पढ़ते थे तो वहाँ एक आखिरी क्लास में जाकर एक प्रोग्राम होता है तबलीगी सफ़र, और उसमें ये होता है कि वो जो क्लास होती है पूरी, वो एक उस्ताद के साथ, जामिया के उस्ताद के साथ किसी मुख्तलिफ इलाके में इलाकों में जाती है, और कुछ तबलीगी प्रोग्राम होते हैं, तकारीर होते हैं। बहरहाल हमें मौला गुलाम बारी साहब सैफ, जो जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे और हमारे उस्ताद थे हदीस के, वो हमें लेकर गए, और हम गए सियालकोट। चुनांचे एक रात हम एक किला जगह है, गटियालियाँ वगैरह के पास है, तो वहाँ हम रात रहे। सुबह के वक्त बाद लड़कों ने कहा कि चलें हम ज़रा सैर के लिए जाते हैं। खैर, सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हम चंद लड़के शहर के लिए गए। वहाँ एक जगह कुछ लोग काम कर रहे थे अपना ज़रात का, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि देखिए हम यहाँ आए हैं, तो ये यहाँ यंग लड़के हैं, माशाल्लाह लगते हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन अपना ज़रात का भी काम कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इनसे वक्त लेते हैं, अगर ये मान जाएँ तो हम इनसे कुछ तबलीग की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है। खैर, हम गए, अस्सलाम वालेकुम किया, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। हमने कहा कि अगर आप मेहरबानी करें हमें चंद मिनट दें, तो हम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, कर लें। खैर, वो आ गए हमारे पास। अब हमने उसको उनको बताया कि देखें, हम अल्लाह ताला के फजल व करम से मुसलमान हैं, और ये मानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, खातमुन नबीयीन हैं, तमाम नबियों से अफसल हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आखिरी ज़माने में इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और उनको तुम कबूल करना। मैंने उनसे पूछा क्या आपने सुना है? कहते हैं हाँ ठीक है, सुना है, सब मुसलमानों का यही मान है। तो मैंने कहा देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सहूलत के लिए ये भी हमें बता दिया, और अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दी कि जब इमाम महदी आएगा तो दो बड़े निशान ज़ाहिर होंगे, और जब वो दो निशान ज़ाहिर हों तो उसको मान लेना। मैंने कहा अगर तो निशानियाँ ना बताई होती तो फिर तो और बात था, कोई कह सकता था कि मुझे क्या पता है कि कौन इमाम महदी है और कौन नहीं है। तो जब बता दिया जाए निशान, और निशान पूरे हो जाएँ, उसके बाद ना मानना, ये तो कोई मोमिनाना बात तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। मैंने कहा दारुकुतनी एक हदीस की किताब है, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्ना लिमहदी ना आयत यानी लम तकूना मुनज़ खल्क़ समावत वल-अर्ज़ यनकसिफ़ुल क़मरु लिअव्वल लैलतिन मिन रमज़ान व तनकसिफ़ुश शम्सु फ़िन निसफ़ि मिन्हु। तो मैंने उनके कहा कि देखें, इस हदीस में रसूल पाक से फरमाते हैं जब इमाम महदी आ जाएगा तो चांद और सूरज को ग्रहण होगा रमज़ान के महीने, और चांद का ग्रहण जो है वो चांद ग्रहण की तारीखों में से पहली तारीख को यानी 13 तारीख को, और सूरज ग्रहण की तारीखों में से दरमियानी तारीख जो 28 होती है उसको ग्रहण लगेगा, और एक ही रमज़ान रहेगा। मैंने कहा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि आप इमाम महदी हैं, अल्लाह ताला ने आपको इल्हाम किया कि आप इमाम महदी हैं, और आपका ये दावा 1890 के आखिर में था कि आप मसीह मौद इमाम महदी। तो उसके बाद 4 साल के बाद 1894 में आपकी ज़िंदगी में ये दोनों ग्रहण हो गए, चांद को भी ग्रहण हो गया और सूरज को भी ग्रहण हो गया, और एक ही रमज़ान में हुआ। फिर सिर्फ उसी रमज़ान में नहीं, अगले साल 1895 में मगरबी दुनिया में भी दोबारा खुदा तआला ने वो निशानात उन्हीं तारीखों में दिखा दिए। तो गया सारे मशरक़ और मगरब को खुदा ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए निशानात बताए और दिखाए
कि जिस इमाम मेहदी अलैहि सलाम ने आना था वो आ गए। मैंने कहा यही वजह है कि आप देखते हैं कि कितने लोग हैं जिन्होंने जमात अहमदिया मशमूलियत इख्तियार कर ली है, और मैंने कहा आपके गाँव में भी खुदा के फजल करम से अहमदी मौजूद है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको पता है, कहते हाँ ठीक है। तो मैंने कहा आपको आपका क्या ख्याल है, वो अच्छे आदमी हैं बुरे लोग हैं? कहने नहीं वो बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैंने कहा आप ये मुझे बताएं कि अगर ये निशानात पूरे हो गए हैं तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उस इमाम मेहदी को मान लें? और अगर हम नहीं मानते तो खुदा के अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि वाइजा राय तुम वो फबाई हो कि जब तुम उसको देख लो तो उसकी बैत करना, खा तुम्हें बर्फ़ के पहाड़ों पर से गुजर के जाना पड़े, यानी बड़ी मुश्किल में से भी गुजरना पड़े तब भी तुमने उसको कबूल करना है और उसकी बैत करनी। तो और ये फरमाया फ़ैन्ना खलीफतुल्लाह अल-महदी, कि वो महदी है और वो अल्लाह का खलीफा है, इसलिए तुम उसको मान लेना। तो बहरहाल मैंने कहा अब इसके बाद आप खुद सोचें कि क्या कोई सच्चा मुसलमान जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान है वो क्या दुनियावी मुश्किल से डर कर जमात अहमदिया से दूर रह सकता है? बहरहाल वो इन बड़े अच्छे लड़के थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो इन बातों का अल्लाह ताला ने उन पर असर किया। बहरहाल मैंने कहा मैं अब आपको शरायत बैत सुनाना चाहता हूँ, आप सुन लें कि क्या अहमदिया जमात के लोग हम क्या करते हैं, तो फिर आपको खुद फैसला कर लें कि क्या ये अच्छी जमात है या नहीं जमात। खैर मैंने उन्हें शरायत 10 शरायत बैत सुनाई, उसके बाद मैंने पूछा क्या आप बताएं आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं ठीक है जी हम भी तैयार हैं। चुनाव जी उधर ही बैत फॉर्म असल में मेरे पास ही होते थे, तो मैंने ऑलरेडी सब अपने साथ में रखे हुए होते थे बैत फॉर्म। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा ये देख लें सारा पढ़ लें, और मैंने कुछ सुना दिया और भी सुना देता हूँ और आप सोच लें अच्छी तरह। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, हमें जमात अहमदिया का तो पहले पता तो है, ठीक है इतनी तफसील का नहीं पता था, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दें। जो फॉर्म फिल किया उन्होंने दस्तखत किए, और इस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से वो दोनों नौजवान जमात अहमदिया में शामिल हो गए। अब ये देखें ये तब्दीलियाँ किस तरह खुदा ताला पैदा कर रहा है। इन यही वजह है कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है अफा ला यरौना ना तलर्दा नन को सुहा मिन अतराफिहा अफा हुमुल ग़ालिबून, कि ऐ वो लोगों जो मुखालिफ हो देखो कि हम किस तरह दुश्मनों की तादाद को कम करते चले जा रहे हैं और इस नबी के मानने वालों की तादाद को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो क्या फिर भी तुम समझ रहे हो कि तुम गालिब आओगे? वही गालिब आएगा जिसके की जमात बढ़ती चली जा रही है। पर बस आप आज देखें अल्लाह ताला के फजल करम से जमात अहमदिया 213 मुल्कों में कायम हो चुकी है और इतनी शान से कायम हो चुकी है कि सारी दुनिया जानती है। कि अगर आप गूगल भी करें तो वहाँ लिखें अगर कि विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड, तो कि कौन सी जमात है जो दुनिया में सब मुसलमानों की कौन सी जमात है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो वहाँ जवाब आएगा अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये सारी बातें जो है क्या ये निशान नहीं है कि हजरत मिर्ज़ा साहब हजरत बानी सरदार अहमदिया खुदा की तरफ से हैं और तमाम मुसलमानों का फ़र्ज है कि उनको कबूल करें और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।